नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। रीवा में ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ के मौके पर बोले सीएम शिवराज, एक साल में तैयार होगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप। सीएम ने कहा दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन के टैंकरों को किया गया ट्रैक। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से ऑक्सीजन के लिए भटकने वाले दौर का जिक्र किया, कहा लगातार ऑक्सीजन की चिंता पर होती थी बात। सीएम ने कहा ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है रीवा, मध्य प्रदेश में प्राइवेट इन्वेस्टर लगा रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट। सीएम ने विंध्य के विकास का जिक्र किया, कहा पिछली सरकारों ने विंध्य का अपमान किया। इंडिया न्यूज से बोले कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, कहा चुनाव लड़ने के लिए गाय पालना हो जरूरी, पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक में अनिवार्य होगा गौ पालन। मंत्री ने कहा गाय पालने वाले प्रत्याशी को ही चुनाव लड़ने की अनुमति हो, जमीन मकान की रजिस्ट्री में भी गोपालन को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए भी अनिवार्य हो गोपालन, सरकार से कि कानून बनाने की मांग, कानून के लिए अभियान चलाएंगे मंत्री हरदीप सिंह डंग। मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया, केंद्र से लोगों को मिलेगी सुविधा, 24 घंटे चलेगा टीकाकरण केंद्र, दोनों वैक्सीन रहेंगी उपलब्ध। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत की, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कहा कि कांग्रेस के नेताओं को सामने आकर यह बताना चाहिए कि उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मामले में कोर्ट में वकील क्यों नहीं खड़ा किया। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि ये जनसंपर्क यात्रा है, हमारे नेता ऐसी कमरों में बैठकर काम नहीं करते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ ने जिलों पर भी दौरा नहीं किया था, बीजेपी के नेता दौरा करके विकास से लोगों को जोड़ना चाहते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विनीत शर्मा का बयान, कहा कांग्रेस पिछड़ा वर्ग हितैषी होने का दिखावा करके 65 सालों तक देश में कांग्रेस सत्ता में रही, फिर भी ओबीसी को उचित सम्मान नहीं मिला। विनीत शर्मा ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग कमीशन को नहीं दिया संवैधानिक दर्जा, कांग्रेस ने जानबूझकर विधानसभा से लोकसभा तक में गतिरोध उत्पन्न किया। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बैन करने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गलत ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी को आत्मचिंतन करना चाहिए। ग्वालियर की नई उड़ान 1 सितंबर से शुरू होगी, 4 नई फ्लाइट दिल्ली और इंदौर के लिए सीधी हवाई सेवा, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से कई बातें की गई हैं और इसी दौरान उनसे मध्यप्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मुलाकात की। सुर्खी विधानसभा में गतिविधियों को लेकर के दोनों के बीच में विस्तार से चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में पिछड़े वर्ग को लेकर के किए गए सवाल पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने 7 सालों में केवल जनता को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि देश में 60 सालों में कांग्रेस गरीबों के लिए ना तो शौचालय पक्का घर और ना ही पानी की व्यवस्था कर पाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि पहली बार बीजेपी सरकार ने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया है, देश में गरीबों और हर वर्ग का सबका साथ सबका विकास लेकर केंद्र और शिवराज सरकार चल रही है। जबलपुर में कांग्रेस के विधायकों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा विधानसभा सत्र जल्द खत्म करना सरकार का मकसद था। तरुण भनोत, लखन घनघोरिया ने सरकार पर आरोप लगाए हैं, कहा कि सदन चलाना नहीं चाहती थी सरकार, ओबीसी आरक्षण, आदिवासी दिवस, महंगाई जैसे मुद्दों पर कांग्रेस चर्चा चाहती थी। गुजरात के पोरबंदर में सीमेंट फैक्ट्री में हादसा, मध्यप्रदेश के 3 मजदूरों की मौत, 3 घायल। देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नागपंचमी का त्यौहार, उज्जैन में प्रसिद्ध नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खोले गए।
इस दौरान आधी रात में पूजा करने के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के प्रवेश को फिर से बंद कर दिया गया। चार सौ 98 साल बाद अयोध्या में रामलला झूले पर विराजमान थे। 21 किलो के चांदी से बने झूले पर रामलला को विराजमान किया गया। श्रावण शुक्ल तृतीया से पूर्णिमा तक झूले पर ही रामलला रहेंगे। अयोध्या में श्रावण झूलोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में आयोजित इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया। इस समिट में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी शुरू कर रहा है। देश में अंतरिक्ष वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से हटाने में नीति बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई स्क्रैपिंग नीति कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी है। यह नीति शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आज से फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देशभर से युवा एक ही संकल्प लेकर जुड़े हैं कि फिट रहना है और फिट रखना है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ से जब 100वीं वर्षगांठ की तरफ चलेंगे तो हम सब पर निर्भर है कि 25 वर्षों में देश को किस दिशा में लेकर जाना है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तरह राजधानी भोपाल में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी हो गई हैं, जहां पर मोतीलाल स्टेडियम के लाल परेड मैदान में फाइनल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस बार स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर भी कोरोना का साया रहेगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त के मौके पर लाल परेड ग्राउंड में छात्रों की एंट्री नहीं होगी। मध्य प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा ने भी स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया है। 15 अगस्त को युवा मंडल स्तर पर युवाओं के साथ राष्ट्रगान का आयोजन करेंगे। साथ ही साथ 15, 16 और 17 अगस्त को सभी जिलों में संकल्प यात्रा भी निकालेंगे। धमतरी जिले में 75वें मुख्य समारोह का लास्ट रिहर्सल स्थानीय शोभाराम देवांगन स्कूल परिसर में जिला कलेक्टर पीएस एल्मा और पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर की मौजूदगी में किया गया। जिला कलेक्टर ने मुख्य अतिथि के तौर पर ध्वजारोहण किया और चार प्लाटून की ओर से ध्वज को सलामी दी गई। वहीं बनारस में कुछ कलाकारों ने गाने के जरिए देश के वीर शहीदों को नमन किया और याद किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ की तैयारियों को लेकर के गानों के साथ यहां पर तैयारी की गई। पंद्रह अगस्त के दिन एवीवीपी चलाएगा अभियान। 501 गांव में करेगा तिरंगा कार्यक्रम। 15 अगस्त को अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत तिरंगे और आजादी का महत्व बताया जाएगा। भोपाल में अब घर बैठे EFIR की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 1,00,000 तक की चोरी की शिकायत यहां पर हो सकेगी। EFIR के माध्यम से वाहन चोरी की भी FIR करवाई जा सकेगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने EFIR ऐप शुरू किया है। मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से शुरू की गई EFIR के तहत प्रदेश की पहली EFIR छतरपुर जिले के कोतवाली थाने में दर्ज की गई है। कोतवाली थाने के तहत विश्वनाथ कॉलोनी के राजू सेन ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज करवाई है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थमने लगा है। बारिश बंद होने से प्रदेश में गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश नहीं होने की संभावनाएं जताई गई है। साथ ही 17 अगस्त से प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा शहडोल संभागों के जिलों में मामूली बारिश हो सकती है।
हालात से तंग आकर दो बच्चों के साथ एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। इसी दौरान आपको बता दें कि राजा भूल सेतु के पास से बड़े तालाब में आत्महत्या करने के लिए महिला कूद गई थी। मौके पर मौजूद नगर निगम के फायर ब्रिगेड के गोताखोरों ने इस महिला को बचा लिया। पुलिस की समझाइश के बाद महिला को थाने ले जाया गया, जहां पर इससे पूछताछ की गई। ग्वालियर थोक मंडी के बंद होने से बड़े सब्जियों के दाम, अधिकांश सब्जियों के दाम डेढ़ से दोगुने तक बढ़ गए हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे व्यापारियों का आरोप है कि शहर खुलने के बावजूद भी सब्जी मंडी नहीं खुल रही, बरसात के चलते सब्जियां खराब हो रही हैं। हरदा जिले के कुकरावत गांव की रहने वाली रूपाली काली ने रुद्राक्ष से आदि योगी शिव का पोर्ट्रेट तैयार किया है। बालोद जिले में कम बारिश होने के चलते खेतों में जमीन में दरारें पड़ रही हैं। परेशान किसान अब जलाशय से पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। शासन प्रशासन के लिए दुविधा के हालात बन गए हैं। सिंचाई विभाग सिंचाई के लिए किसानों को पानी देने में अपनी असमर्थता जता रहा है। वहीं जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस साल कम बारिश के चलते हमारे जलाशयों में जलभराव बहुत ही कम हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि सबसे ज्यादा तांदुला जलाशय में 15.85%, खरखरा में 26.83%, गोमती में 43% जलभराव है, जबकि गर्मी में पेयजल के लिए 30-33% रिजर्व रखना पड़ता है। बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना इलाके में एक 5 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 39 दिन के अंदर ही कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सरगुजा संभाग में यह अब तक का पहला मामला है जहां पर इतनी जल्दी किसी आरोपी को सजा का ऐलान किया गया। पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया था और आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर तुरंत कार्रवाई की गई। कोर्ट ने पीड़िता को 10 लाख रुपए सहायता राशि और अन्य मदद देने के लिए भी आदेश दिए। छतरपुर जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। घटना भंगवा थाने के हरिनगर की है। इंदौर के एरोड्रम थाना इलाके में एक संदिग्ध शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध शव को बरामद किया और जांच शुरू कर दी। चौकीदार ने शव देखा था, इसकी जानकारी प्लॉट के मालिक को दी गई। प्लॉट के मालिक ने पुलिस को मामले की सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। भोपाल के वन विभाग के बब्बर शेर की दहाड़, गुजरात से आएंगे 4 बब्बर शेर, तैयारियां पूरी, बब्बर शेर आ रहे हैं। इंदौर से दिल्ली भेजे गए 21 सैंपल में से 2 में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। जांच के लिए दिल्ली की एनसीडी लैब ये सैंपल भेजे गए। जिन मरीजों में डेल्टा वेरिएंट मिला उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। प्रदेश में सबसे अधिक 700 सैंपल इंदौर से दिल्ली भेजे जा चुके हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना की दस्तक, कई दिन बाद मिले कोरोना के 4 मरीज। मरीज मिलने पर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया। भोपाल में तीसरी लहर को लेकर तैयारी शुरू, बेड बढ़ाकर किए गए। 9,500 बच्चों के इलाज के लिए भी आईसीयू ऑक्सीजन बेड तैयार। तो वहीं छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्ति की ओर कदम बढ़ा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 से नीचे पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। महासमुंद में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि महासमुंद जिले की 6 नगरीय निकायों में से 5 नगरीय निकायों में 100% वैक्सीनेशन हो गया है।